India is blessed with a diverse variety of indigenous rice. These traditional varieties of rice used to support a large number of farmers to earn their livelihood. Apart from being staple food in many parts of the country, the husk and the straw were used for cattle feed and as roofing material. However, since the 1960s, traditional varieties of rice have fallen wayward with the introduction of hybrid varieties for higher yield. Government interventions have systematically pushed these high-yielding varieties of rice, forcing farmers to abandon the traditional varieties. A lot of these traditional varieties have either been lost or are on the verge of disappearing. Central Rice Research Institute, Hazaribagh ki baat kare, to wahan 600 tarah ke traditional uplands ke noted hai varieties. Aaj hum gaon mein dekhte hain to hardly 10 या 12 वेराइटीज, उससे भी कम वेराइटीज़ गांव में बची हुई हैं. ट्राइबल्स के बीच में ज़्यादा ट्रेडिशनल वेराइटीज़ बची हुई हैं रादर देन सदान के बीच में जो मेन लैंड लोग हैं. बट नाउ एग्रीकल्चरलिस्ट्स आर स्लोली वेकिंग अप टू द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ राइस. मैं वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा जिला में रहता हूँ. मेरा संस्था का नाम है पाचाल सुस्ताई कृषि उद्योग समिति. हम लोग 7-8 मिल के ये संस्था खुला है. यहाँ 124 वैरायटी इंडिजिनियस राइस वैरायटी को रख रखाव कर रहा हूँ 2010 साल से. The hybrids require high amount of chemical inputs, including use of more pesticides and fertilizers. This, in turn, makes the soil less productive and creates health problems. Now, with global warming, extreme weather events are more frequent. Agricultural scientists are realizing that the traditional rice varieties are more resilient to the changing weather patterns. जो भी मौसम चक्र बिगड़ा है, लेकिन उसको सहन करने की हमारे ट्रेडिशनल बीजों में क्षमता होती है. बहुत तेज वर्षा आती है तो उसको सहन करने की क्षमता होती है, और बहुत गर्मी पड़ जाती है तो उसको सहन करने की क्षमता होती है. अगर बर्फबारी हो जाती है उसको सहन करने की क्षमता होती है. पाला गिर जाता है तो उसको सहन करने की क्षमता होती है. जो कम पानी होता जा रहा है उसमें सीड डाइवर्सिटी इज़ द बिगेस्ट सॉल्यूशन. सीड की जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना किसान के पास ऑप्शन है. जो कि हाइब्रिड होने के कारण सारी डाइवर्सिटीज बहुत कम समय में जा रही है, और बहुत कम समय में सभी चले जाएंगे अगर हम इंटरवीन नहीं करें. सीड लेके कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीड कृषक का अधिकार है, कृषक का निजी चीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑल्सो रिक्वायर लेस केमिकल इनपुट्स एंड कैन ईजिली बी ग्रोन ऑर्गेनिकली, विच लीड्स टू इंक्रीज इन सॉइल प्रोडक्टिविटी, हायर प्रॉफिट्स एंड सेफर एंड हेल्दियर फूड ऑन आवर प्लेट्स.